ओम काली। सभी हिंदू धर्म प्रेमी भाइयों बहनों को मेरा हृदय पूर्वक ओम काली। गांधी के मामले में अपशब्द बोलने के लिए मुझ पर FIR दर्ज हुई, मुझे उसका कोई पश्चाताप नहीं है। गांधी ने किया क्या है हिंदुओं के लिए? विश्वासघात किया है देश का। चौदह वोट प्रधानमंत्री पद के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को थे और एक वोट भी नेहरू को नहीं था, तो भी नेहरू को प्रधानमंत्री क्यों बनाया? और ये वंशवाद की जड़ फैलाने वाले ये गांधी ने पूरे के पूरे कांग्रेस के अन्य प्रतिभाओं का खच्चीकरण कर दिया, अन्य प्रतिभाओं को कुंठित कर दिया। एक वंश गांधी नेहरू वंश का ही बोलबाला करने लग गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथ में अगर तब प्रधानमंत्री पद गया होता था तो भारत अभी सोने की चिड़िया बनता था, भारत अभी जगतगुरु होता था, भारत अभी चक्रवर्ती सम्राट होता था, अमेरिका से भी बड़ी पावर भारत बन जाता था। यह महान विश्वासघात भारत की जनता के साथ में गांधी ने किया, इसलिए मेरे हृदय में तिरस्कार है गांधी के प्रति। हिज हाइनेस श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे महान प्रतिभाएं कांग्रेस में थी, है, लेकिन इस गांधी नेहरू वंशवाद के कारण उनको व्यवस्थित कार्य करने का मौका ही नहीं मिलता। इस वंशवाद के जनक गांधी हैं, इसलिए गांधी नेहरू खानदान के वंशवाद के जनक है, राष्ट्र के जनक नहीं, इसलिए राष्ट्रपिता नहीं है। मैं नहीं मानता, कोई माने उनकी इच्छा। दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, ये गाना लिखने वाले को 100 जूते मारने चाहिए। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों ने जो त्याग बलिदान किए, फांसी पर लटक गए ये लोग, इन्होंने कुछ नहीं किया देश की आजादी के लिए, ऐसा इनका बोलना है ये गाना रचने वाले का। इतने सारे महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी जिनको फांसी दी गई, उसमें 80% सिख लोग हैं, 20% अन्य क्रांतिकारी हैं। इन क्रांतिकारियों ने जो अपना त्याग बलिदान किया वह व्यर्थ मान लिया ये गाना रचने वाले ने, सारा का सारा श्रेय गांधी को दे दिया। एक लाठी खाई गांधी ने कभी? ये फांसी के फंदे पर झूल गए ये नौजवान, लेकिन इनको कोई श्रेय नहीं। सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह जी की फांसी गांधी रुकवा सकते थे, लेकिन नहीं रुकवाई जानबूझ के, इसलिए तिरस्कार करता हूं मैं गांधी का। इनका एक बहुत बड़ा हथियार था अनशन करना, और इन्होंने, मैंने गांधी ने, उसका उपयोग भारतीय जनता के खिलाफ ही किया, हिंदुओं के खिलाफ ही किया। बोला था कि बंटवारा मेरी लाश पे होगा, मजहब के नाम पर जो बंटवारा हुआ पाकिस्तान बांग्लादेश का, वो मेरी लाश पे होगा, ऐसा गांधी बोलते थे। लेकिन जब बंटवारा हुआ तब गांधी जिंदा थे, और बंटवारे के समय जो दंगे हुए, लाखों करोड़ों हिंदुओं को सिखों को काट डाला गया उसमें, और लाखों करोड़ों हिंदुओं को मार के उनकी लाशें भेजी गई, लाखों हिंदुओं को, 27 लाख हिंदुओं को मार डाला गया एक ही दिन में, डायरेक्ट एक्शन डे के दिन जिन्ना के द्वारा। और पाकिस्तान में से जो ट्रेनें आ रही थी वो लाशों से ही भरी हुई थी, महिलाओं के और पुरुषों के, बोरे के बोरे भर के महिलाओं के स्तन काटकर भेज रहे थे वहां के लोग। सामूहिक बलात्कार करी हुई महिलाएं, उनकी लाशें, उनके स्तन बोरों में भर के, और यहां गांधी अनशन कर रहे थे कि 55 करोड़ रुपए दो पाकिस्तान को। जब सिख लोगों ने दंगे से पीड़ित होकर कड़कड़ाती ठंड में मस्जिदों का आश्रय लिया, तो उसके लिए अनशन पे बैठ गए गांधी कि इनको मस्जिदों से बाहर निकालो, मुसलमानों को मस्जिदें सौंप दो। नफरत करता हूं मैं गांधी से, इसलिए भी
पाकिस्तान बांग्लादेश को जोड़ने वाला कॉरिडोर मांग लिया मुसलमानों ने कि भारत को और खाया जाए। गजवादी गजवाए हिंद के तहत भारत को मुसलमान बना दिया जाए तो पाकिस्तान और बांग्लादेश को जोड़ने वाला कॉरिडोर, हजारों वर्ग किलोमीटर का कॉरिडोर, इसके लिए गांधी अनशन पे बैठने वाले थे। के शासन को वो दे देना पड़ता था और भारत फिर से बढ़ जाता था। स्वातंत्र वीर सावरकर जी ने गांधी के सामने जातीयवाद तोड़ने की बात कही कि वर्णवाद, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, यह वर्णवाद और हजारों जातियों में बटा हुआ जातीयवाद, इसको तोड़ दो और हिंदुत्व की धर्म ध्वजा के नीचे सारे हिंदुओं को एक कर दो। तो गांधी ने इसके लिए बात नहीं मानी, इस ये मांग पूरी करने के लिए अनशन पे नहीं बैठे। उन्होंने कहा जैसा है वैसा रहने दो। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने बोला था कि संस्कृत को राष्ट्रभाषा करो, देश की भाषा संस्कृत होनी चाहिए। तो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की बात को संसद में मनवाने के लिए अनशन पे नहीं बैठे। स्वातंत्र वीर सावरकर जी का अवमान मानता हूं मैं, ये डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी का अवमान मानता हूं मैं। ऐसी ढेर बातें हैं, ढेर बातें। कोई राष्ट्रपिता नहीं हो सकता, करोड़ों सालों से राष्ट्र है, उसका काय का पिता 200 साल पहले आया हुआ व्यक्ति कैसे 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 पिता बनेगा? अगर पिता बनाना ही है राष्ट्र का अनिवार्य है तो छत्रपति शिवाजी महाराज को बनाना चाहिए, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को बनाना चाहिए, राणा प्रताप जी महाराज को बनाना चाहिए, आचार्य चाणक्य जी को बनाना चाहिए। और अभी के महापुरुषों को अगर बनाना है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बनाना चाहिए, क्योंकि पूरे राष्ट्र कुल को एकत्रित करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल है। छोटी छोटी रियासतों के टुकड़ों को एकत्रित करते हुए पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल है, जिन्होंने राष्ट्र में जो टुकड़े टुकड़े थे उनको एकत्रित किया, राष्ट्र कुल को एकत्रित जिस व्यक्ति ने किया उसको ही राष्ट्रपिता का सम्मान मिलना चाहिए, ना कि हिंदुओं से पार्शियलिटी करने वाले गांधी को। अगर वो कॉरिडोर मिल जाता था पाकिस्तान बांग्लादेश को तो हिंदुस्तान कब का मुसलमान बन चुका होता था। धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है महात्मा नाथुराम गोडसे जी को, उनके चरणों में साष्टांग नमस्कार है मेरा, कि उन्होंने अपना बलिदान देके हिंदुस्तान को मुसलमान बनने से बचा लिया। गजवाए हिंद फेल कर दिया महात्मा नाथुराम गोडसे जी ने, कोटि कोटि धन्यवाद है उनको। महात्मा गांधी नहीं, महात्मा नाथुराम जी गोडसे हैं। और अगर सच बोलने की सजा मृत्यु है तो स्वीकार है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने, छत्रपति संभाजी महाराज जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने, राणा प्रताप जी महाराज जी ने अपने पूरे कुल का बलिदान कर दिया हिंदुत्व बचाने के लिए, तो मेरे जैसे तुच्छ जंतुओं का जी के फायदा भी क्या है? अगर धर्म के लिए हम बलिदान नहीं हो सकते तो मर जाए मेरे जैसे करोड़ों कालीचरण हिंदुत्व को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए, सनातन हिंदू धर्म की रक्षा के लिए तैयार है हम मृत्यु दंड को पाने के लिए। ओम काली।